सॉरी हाई जंप कितना मांगा इधर आर्केट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को स्टेप बाय स्टेप कूदना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट 3 फीट पे नहीं जा पाएंगे, है ना। अब सोचे हम डायरेक्ट 3 फीट कूद जाएं, तो पहले अपने को कूदना कितना कूदना पड़ेगा, कम से कम 2 फीट 2.5 फीट अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। अपन डायरेक्ट 3 फीट नहीं कूद पाएंगे, और अगर 2.5 फीट 3 फीट अगर आप कूद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे पंजा मजबूत होगा और फिर अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कूदते जाएंगे। तो अभी कितना है लगभग, ये 2.25 फीट 2.5 फीट है ना। तो अब यहाँ से आप उधर एक एक करके पूरा दौड़ के जाओ, सब एक एक करके एक्सरसाइज करके फिर कूदेंगे इधर। चलो जाओ, दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तालियां इसके लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं, इधर आ जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आया समझ में आप लोग को। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, अपने को थोड़ा
थोड़ा हल्का ले लेना है इधर वापस, अगर नहीं कूद पा रहे थे 2 फीट नहीं कूद पा रहे थे आप 1.5 फीट ही ले लो, ठीक है। 1.5 फीट से धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, क्या करना है धीरे धीरे बढ़ाते जाना। आत्मविश्वास कैसे आएगा, उधर से दौड़ के आ गए या टकराना नहीं है, इससे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे कर लो, नीचे से फिर धीरे 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 बढ़ते जाओ, ठीक है। आ गया समझ में, जो लड़कियाँ कूद नहीं पाए वो वापस जाओ उधर, इसको कम कर लो बेटा वापस। सबको कूदना, सबको कूदना, जाओ डरना नहीं है, ये तो सब कर जाओ ना, थोड़ा लात रहा कि मारा, ठीक है, एंड कर दो।